चलिए बच्चों, ये एडिटोरियल है आपका और ये सभी प्रकार से कंपटीशंस में आपको मदद करेगा, हेल्प देगा आपको। चाहे आप कॉमन एरर से संबंधित क्वेश्चंस करना चाहते हो, चाहे आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से संबंधित क्वेश्चंस करना चाहते हो, चाहे आप फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहते हो, क्लोज टेस्ट से संबंधित चीज़ों को समझना चाहते हो, पैसेजेस पढ़ना, समझना और उनके उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस उनका आंसर देना अगर आपके लिए मुश्किल होता हो, वर्ड पावर जिन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक डिफिकल्टी बनी हुई है, वो अगर वो उस डेडलॉक को दूर करना चाहते हो, तो फिर एडिटोरियल संपूर्ण समाधान है। विश्वास करें, एडिटोरियल आपका संपूर्ण समाधान कुछ भी हो, यानी इंग्लिश को अगर आपको बेहतर समझना है तो आपको निश्चित ही एडिटोरियल को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो ये चूंकि लॉकडाउन का समय है, आप निश्चित ही घर पे खाली हैं, आप यूज़ कर सकते हैं हर पल को, हर समय को, तो उसके लिए एडिटोरियल एक परफेक्ट कहते हैं माध्यम बन सकता है, एक मीडियम बन सकता है। तो आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये 24th ऑफ अप्रैल का एडिटोरियल है जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हमको पढ़ना है, कैसे वर्ड्स तैयार करने हैं, कैसे स्ट्रक्चर से संबंधित समस्याओं को हमको दूर करना है, ठीक है। देखते हैं, चलिए आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग स्ट्रेसेस दैट ओवर जेलस रिजर्वेशन टेंड्स टू अफेक्ट राइट्स ऑफ अदर कम्युनिटीज। ओके, हम इसे पढ़ें उससे पहले हमको एक और चीज देखनी होगी, अगर इसे बेहतर समझना है तो हमको देखिए ये चीज करना होगा। ये अगर बेहतर करना है तो निश्चित ही सबसे पहले वर्ड्स को तैयार, हमारी वर्ड पावर भी तैयार होगी और इन जो एडिटोरियल है हमारे सामने उसको समझना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है एनाथेमा। एनाथेमा क्या होता है? एक कर्ष होता है, अभिशाप। मैंने इसके सिनोनिम्स भी, जितने के सिनोनिम्स थे मैंने वो दिए हुए हैं, आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। तो कोई कर्ष, बैन, कैलमनी, एक्सकम्युनिकेशन या डैमनेशन जो होता है वो एनाथेमा होता है। क्या होता है? एक अभिशाप होता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देख रहे होंगे आपका है क्वाश। क्वाश क्या होता है? रद्द कर देना किसी लीगल प्रोसीजर के द्वारा। अगर आप किसी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप उसे क्वाश कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है? समानता होती है, यानी एक जो इम्पार्शियलिटी होती है या फर्मनेस होता है वो क्या होती है? आपकी इक्वालिटी होती है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? लॉडेबल। लॉडेबल क्या होता है? प्रशंसनीय। डिजर्विंग, प्रेज एंड कमेंडेशन इज इक्वल टू लॉडेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिप्राइव्ड। अगर कोई अनप्रिविलेज्ड है, इम्पॉवरिश्ड है, पॉवर्टी स्ट्रोकेन है, तो वह वंचित है। मीन्स वो कुछ सुविधाओं से लैकिंग और स्पेसिफाइड बेनिफिट, यानी कोई जो विशेष सुविधा होती है, लाभ होता है, उन सब चीजों से वो वंचित है, वो डिप्राइव्ड है। वर्डिक्ट क्या होता है? वर्डिक्ट एक निर्णय होता है, एक डिसीजन है, एडजुडिकेशन है या जजमेंट है जो एक किसी फैक्ट पे जो जज होता है वो जारी करता है किसी केस में, वो वर्डिक्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? एक जो संवैधानिक कोई चीज है वह कॉन्स्टिट्यूशनल है, या निर्माण संबंधी चीजों को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, ठीक है। और वर्ड्स हैं अभी देख लें, ये वर्ड्स आपके मैंने करीब 29-30 वर्ड्स जो जरूरी थे आपके वो मैंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लें क्या हमारा है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल कोई चीज है तो क्या है? वो हानिकारक है, नुकसानदायक है, वो इंजुरियस है, हार्मफुल है, डैमेजिंग है, हर्टफुल है या डेलिटेरियस है। ध्यान रखें बच्चों, ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में भी जरूर काम आएंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? ईयर मार्क। ईयर मार्क मीन्स किसी चीज को सुरक्षित रखना। जैसे मान लीजिए आपको आगे कोई कार्य करना है तो उनमें जिन रिसोर्सेस की या पैसे की जरूरत पड़ती है आप उसे ईयर मार्क करते हैं। मान लीजिए अगले साल आपको कोई गाड़ी खरीदनी, कार लेनी है, तो उस कार के लिए आप अभी से पैसे क्या करने लगे हैं? आप जुटाने लगे हैं। तो
तो वो जो आपका कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, ईयर मार्क करना, वर्क के रूप में आपका है ईयर मार्क करना। आप उसे सेट असाइड कर लेते हैं, मीन्स रख लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट क्या होता है, आगामी, यानी कोई चीज जो आगे होने वाली है, सक्सीडिंग है, सक्सेसिव है, एनसुइंग है, फॉलोइंग है, वो क्या है, सबसिक्वेंट है आपका। जैसे कोई कहे सबसिक्वेंट डिसीजन जो होगा वो बहुत घातक होगा, तो सबसिक्वेंट आगामी। नेक्स्ट क्या है, रैशनेल। रैशन से बना है, तर्क जिसको आप कहते हैं, तो रैशनेल मीन्स किसी कार्य को करने के पीछे जो कारण होते हैं, तर्क होते हैं, वो रैशनेल या रैशनेल होते हैं। मीन्स एक रीजनिंग है, एक थिंकिंग है आपकी, एक लॉजिक है, एक ग्राउंड्स आपके हैं, तो वह रैशनेल है। नेक्स्ट वर्ड है आपका है एब्सेंटीज्म। ये एब्सेंट से बना है, एब्सेंटी प्लस एइज्म, मीन्स कार्य से अनुपस्थित रहने की जो आदत होती वो एब्सेंटीज्म कहलाती है, एलिबी या नॉन अपीयरेंस कहलाता है। ठीक है, और देखते हैं, ये वर्ड्स आपके हैं एब्सेंटीज्म के बाद, रिमोट। ठीक है, रिमोट आप जानते हैं, आप जो रिमोट यूज करते हैं वो रिमोट इसलिए रिमोट कहलाता है क्योंकि आप दूर से टीवी वगैरह को उससे नियंत्रित कंट्रोल कर लेते हैं। तो रिमोट मीन्स दूरवर्ती, कोई चीज तो डिस्टेंट है, डिजिटल है, वो क्या है आपका, रिमोट है। वाइबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, वाइबल मीन्स उचित, कोई चीज जो वाइबल है वो वर्केबल है, फिजिबल है, प्रैक्टिकेबल है, प्रैक्टिकल है, यूजेबल है, वो वाइबल है आपके लिए। नेक्स्ट आपका फ्रेज था टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट मीन्स होता है टू कंसीडर आ रिगार्ड, किसी चीज पर विचार करना, या टू इंक्लूड, कोई प्लानिंग आपकी है उस प्लानिंग में जिन जिन चीजों को आप शामिल करते हैं, यू आर टेकिंग देम इनटू अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आप जानते होंगे, भर्ती को कहते हैं, नॉर्मली आर्म्ड फोर्सेस के लिए आप यूज करते हैं, बट नॉर्मल सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अजार, एक एडजेक्टिव के रूप में, अजार मीन्स अध खुला, जैसे अजार है, अगेप है, हाफ ओपन है, अनलैच्ड है, अनलॉक्ड है, या स्लाइटली ओपन अगर कोई चीज है तो वो अजार है। ओके, ये वर्ड जरूर तैयार करें, काम आएगा आगे आपके। चलिए और वर्ड्स कुछ हैं देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूएंट, मीन्स कोई कॉन्स्टिट्यूएंट अगर किसी चीज का है वो उसका इंग्रेडिएंट है। नॉर्मल सेंस में, एक वोटर के सेंस में भी, मतदाता के सेंस में भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, इलेक्टर भी वही होता है। कोई अवयव अगर है किसी चीज का इंग्रेडिएंट या घटक के रूप में तो भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, इम्पोज करना किसी पर, मीन्स किसी चीज पर कोई निर्णय इत्यादि थोपना होता है। अल्बीट क्या होता है, एक कंजंक्शन के रूप में दो आल्दो का सेंस लेता है, भले ही या यद्यपि। सैंक्टिटी मीन्स क्या होता है, सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता, मीन्स गॉडलीनेस, हॉलीनेस, सेंटलीनेस, सैक्रेटनेस या ब्लेशेडनेस जो होती है वो सैंक्टिटी, पवित्रता होती है। इंपेरेटिव कई बार एग्जाम में दिया गया, इंपेरेटिव क्या होता है, कोई चीज जो जरूरी है, आवश्यक है, वो इंपेरेटिव है। ठीक है, ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस या क्रूशियल या जो ऑल इंपॉर्टेंट है वो इंपेरेटिव है। ब्रीच क्या होता है, नॉर्मली आप इसे एक एग्रीमेंट वगैरह के सेंस में आप यूज करते हैं, जब उसका उल्लंघन होता है तो वह ब्रीच। वर्ब के रूप में अगर आप यूज करेंगे तो उल्लंघन करना या तोड़ना हो जाएगा, नाउन के रूप में उल्लंघन। इसलिए वर्ड्स कितने अच्छे हैं, आप वायलेशन कर रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, कंट्रावेंशन कर रहे हैं, ब्रेकिंग है ये, नॉन ऑब्जर्वेंस है, मीन्स एक ब्रीच है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड्स देख लें। ये मैंने इस एडिटोरियल में जितने भी वर्ड्स थे वो सारे जो इंपॉर्टेंट थे या आपके एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, इस एडिटोरियल को समझने में काम आने वाले, वो सारे वर्ड्स मैंने विद सिनोनिम्स कोशिश की देने की, और ये मैंने खुद बनाए हैं बच्चों। ठीक है, मैंने मेहनत किया, इन सारी चीज़ों को अरेंज किया ताकि आपके एग्जाम्स में काम आ सके। अगर रेगुलर आप इनको पढ़ते हैं तो हर हाल में, कहीं से पढ़ें बट पढ़ते रहें। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंस से बना है, डिस्पेंसेशन मीन्स होती है रियायत, किसी चीज में अगर आपको एग्जेम्पशन मिलता है, छूट मिलता है, तो वह एक एग्जेम्पशन है, एक्सेप्शन है, एक्सोनरेशन है, इम्यूनिटी है आपके लिए, एक्सक्लूजन है, तो वह डिस्पेंसेशन है, मीन्स रियायत या छूट।
बैकड्रॉप क्या होता है? बैकड्रॉप मीन्स पृष्ठभूमि, जो एक कर्टेन होता है क्लॉथ का वो बैकड्रॉप होता है, लेकिन पृष्ठभूमि के सेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं। ये एक लैटिन फ्रेज की तरह है, ऑर्बिटरी डिक्टा, डिक्टा समझते होंगे, डिक्टम का प्लूरल होता है, डिक्टम मीन्स कोई शुक्ति, कोई सिद्धांत, कोई कथन होता है, तो ऑर्बिटर डिक्टा मीन्स प्रासंगिक उक्ति, यानी कोई ऐसी उक्ति, कोई ऐसी बात जो उस संदर्भ में सही हो वो ऑर्बिटर डिक्टा कहलाती है। ये अ जज्स एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, एक जज जो अपनी राय देता है, अटर्ड इन कोर्ट आर इन अ रिटन जजमेंट, जो वो कोर्ट में या किसी रिटन जजमेंट में बोलता है, बट नॉट इसेंशियल टू द डिसीजन, लेकिन निर्णय पे वो पूरी तरह से जरूरी नहीं लागू होता हो, वह आर्बिटर डिक्टा यानी प्रासंगिक उक्ति होती है। ट्रिकल डाउन क्या होता है? ट्रिकल डाउन मीन्स गरीबों को, यानी जो धनी लोग हैं उनसे लाभ लेकर के गरीबों को देना, ये क्या है? ट्रिकल डाउन करना, ये फ्रेज है आपकी। और दो वर्ड्स और मैंने दिए थे आपको, देख लें, ये दो वर्ड्स आपके पास है। पहला वर्ड है रूलिंग। रूलिंग क्या होती है? एक कोर्ट के सेंस में जो निर्णय होता है, आदेश होता है, व्यवस्था दी जाती है कोर्ट के द्वारा, वो उसकी रूलिंग होती है। ओवर जेलस समझते होंगे, जेलस में ओवर जोड़ दिया गया है, ओवर जेलस में अति उत्साही या कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो वह ओवर जेलस होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें तैयार कर सकते हैं, मैंने सिनोनिम्स भी चूंकि दिए हुए हैं ज्यादातर के, तो ये आपके एग्जाम्स में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, चलिए अब एडिटोरियल देखते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है, कहां कहां पे कौन सा स्ट्रक्चर हमारे काम आ सकता है। ओके, चलिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जो बच्चे लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, कमेंट अगर जरूरी हो आपको लगता हो कमेंट करें, जहां अपनी राय रखनी हो आपको, और जो बच्चे अभी भी ज्वाइन किए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहे। चलिए ये एडिटोरियल हमारे सामने है जिसको हमको शुरू से पढ़ना है और अच्छे से समझना, भले समय लगे आपको। ठीक है, एडिटोरियल एक ऐसी चीज है ना, अगर आप इसका लाभ लेते हैं तो आपको कॉमन एरर वगैरह में कहीं किसी प्रकार क्लोज टेस्ट में, पैसेज रीडिंग, उसके आंसर देने में बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी, और मैं इस तरीके से इसको पढ़ाऊंगा भी ताकि ये चीजें आपके लिए आसान हो सकें। इसमें समय लगेगा आपको थोड़ा सा, बट चीजें बेहतर होंगी। चलिए देखते हैं एक एक शब्द के द्वारा। कह रहे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, यानी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी उसका जो निर्णय है, स्ट्रेसेस, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर है, स्ट्रेसेस, वो इस चीज पे जोर देता है दैट कि ओवर जेलस रिजर्वेशन, समझ रहे होंगे, ओवर जेलस अभी आपने पढ़ा था जरूरत से ज्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जो उसका आदेश है, जो उसकी व्यवस्था उसने दी है, स्ट्रेसेस, वो इस चीज पे जोर देता है दैट, जब भी दो क्लाजेस को दैट जोड़ता है बीच में तो उसके वो कंजंक्शन हो जाता है, यहां पे प्रोनाउन नहीं कंजंक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो जोर देता है दैट कि ओवर जेलस रिजर्वेशन, कि जरूरत से अधिक आरक्षण टेंड्स टू अफेक्ट, टेंड्स टू कहीं लगा हो, इसके मीन्स वो आदतन होता है, उसकी प्रवृत्ति में ऐसा होता है, यानी जरूरत से ज्यादा अगर आरक्षण आप देते हैं टेंड्स टू अफेक्ट राइट्स, तो यह अधिकारों का हनन करता है, अर्थात उस पर अपना गलत प्रभाव डालता है, कौन से अधिकारों के, ऑफ अदर कम्युनिटीज, दूसरे समुदायों के, अब एक साथ कर दें, यानी दूसरे समुदायों के अधिकारों पर प्रभाव डालता है, गलत प्रभाव डालता है, क्या चीज गलत प्रभाव डालता है, ओवर जेलस रिजर्वेशन, जरूरत से अधिक आरक्षण, इस चीज पर कौन जोर दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये इस चीज पे जोर देता है कि जरूरत से अधिक आरक्षण अन्य समुदायों के अधिकारों पर क्या डालता है, अपना गलत प्रभाव डालता है। ठीक है, आगे बढ़े, द सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से देखें, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट लिखा, दोनों लेटर्स आपके कैपिटल हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और इसके पहले आपने संस्था की वजह से द लगा, किसी भी संस्था के नाम के पहले नॉर्मली द लगाते हैं, तो द सुप्रीम कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट है इज राइट, यानी वो बिल्कुल सही है, किस चीज में, इन कंसीडरिंग यानी मानने में, विचार करने में, किस चीज को, कि सेंट परसेंट रिजर्वेशन, किस
शत प्रतिशत जो आरक्षण है एज नॉर्मली कंसिडर के साथ आप एज का प्रयोग नहीं करते, बस अगर किसी चीज को किसी रूप में आप मान रहे हैं तो फिर वहां एज आप लगाते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट इज राइट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही है, इज इन कंसिडरिंग सेंट पर्सन रिजर्वेशन, ये विचार करने में कि जो सेंट पर्सन रिजर्वेशन इस शत प्रतिशत आरक्षण है एज एनाथेमा, वो शत प्रतिशत आरक्षण जो है वो एनाथेमा है। एनाथेमा भी आपने पढ़ा था ना, एक अभिशाप, यानी कोई चीज जो गलत है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये मानना कि शत प्रतिशत आरक्षण जो है एक एनाथेमा की तरह है, वह शाप अभिशाप की तरह है, यह मानना सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से क्या है, सही है। सही है। टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वालिटी, किस चीज के लिए एनाथेमा है वो, टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता का जो संवैधानिक एक स्कीम है, योजना है, यानी समानता की जो एक संवैधानिक योजना है उस चीज के लिए एक अभिशाप है। क्या चीज अभिशाप है? शत प्रतिशत आरक्षण, और ये कौन मानता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना क्या है? इज राइट, सही है। और ये कौन कह रहा है? एडिटोरियल के राइटर। इवन इफ मीन्स भले ही, दो के सेंस में आप यूज करते हैं, आल दो के सेंस में, ये कंजंक्शन है आपका। इवन इफ, भले ही, इट इज फॉर द लॉडेबल ऑब्जेक्टिव, भले ही यह किस चीज के लिए है? एक प्रशंसनीय, यानी सही, एक प्रशंसनीय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के लिए हो, आ प्रोवाइडिंग, जब भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, हमेशा। अगर वर्ब है तो उसको प्रीपोजिशन के कारण उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। तो फिर से देख लें, द सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन कंसिडरिंग, यानी सुप्रीम कोर्ट ये विचार करने में सही है कि सेंट परसेंट रिजर्वेशन एज एनाथेमा, कि शत प्रतिशत रिजर्वेशन अगर आप देते हैं किसी को तो एज एनाथेमा, यह एक अभिशाप है, किसके लिए? टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता का जो संवैधानिक योजना है उसके लिए अभिशाप है। इवन इफ, भले ही, इट इज फॉर द लॉडेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस, भले ही आपका ये जो कार्य है शत प्रतिशत आरक्षण देने का लॉडेबल ऑब्जेक्टिव हो, यानी प्रशंसनीय उद्देश्य हो, आपका लक्ष्य हो, आप प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन, क्या देने का? प्रतिनिधित्व देने का, किसको? टू हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शन, डिप्राइव्ड पढ़ा था ना, वंचित, किनको प्रतिनिधित्व देने के लिए? जो ऐतिहासिक रूप से, यानी शुरू से ही डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, वंचित वर्ग हैं। अभी एक साथ पढ़ लेते हैं, यानी वंचित वर्ग को जो ऐतिहासिक रूप से, शुरू से जो वंचित वर्ग रहे, उनको प्रतिनिधित्व देने का आपका जो लॉडेबल ऑब्जेक्टिव है, यानी प्रशंसनीय उद्देश्य है, ये सही है। फिर भी इक्वालिटी, यानी जो समानता का संवैधानिक योजना है, उसके लिए अभिशाप है यदि आप किसी को शत प्रतिशत क्या देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। और ऐसा कौन कंसीडर करता है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके वर्ड्स तैयार हो गए होंगे। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित जो होते हैं वो डिप्राइव्ड हैं। रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व को कहते हैं। प्रोवाइड प्रदान करना। एनाथेमा मीन्स अभिशाप। रिजर्वेशन आरक्षण। कंसिडर विचार करना। और यहां पर जो राइट है, इस राइट में अधिकार, यहां पे सही के रूप में, सॉरी, देखें द वर्डिक्ट, यानी ये जो वर्डिक्ट है, आदेश है, क्वाशिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100% ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट इन शेड्यूल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर लोकल शेड्यूल ट्राइब्स इज नॉट अगेंस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम्स एज सच बट अकाशन अगेंस्ट इंप्लीमेंटिंग देम इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। उसके लिए होगा, फिर से देखते हैं। द वर्डिक्ट, यानी जो आदेश, जो निर्णय है, क्वासिंग। अब ऐसे वाक्यों, बच्चों आप ही समझें, ये एक नाउन है, यानी सब्जेक्ट के रूप में है, और इसके सीधे बाद आईएनजी आ गया, कैसे आ सकता है?
अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में लेते तो वर्डिक्ट बाद इज द एमआर वाज वर रहता, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल, कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे आप पार्टिसिपल क्लास भी कह सकते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज भी कह सकते हैं। क्लास इस सेंस में कहते हैं कि आप इसको क्या कर लें, क्लास में कन्वर्ट कर लें सब्जेक्ट के साथ। कैसे देखें, द वर्डिक्ट विच इज अ क्वेश्चन, इस सेंस में, ठीक है। और पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं क्योंकि इसके पास कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, इस हिसाब से फ्रेज हो जाएगा। तो इसको पढ़ने का तरीका कैसे देखें, ऐसे द वर्डिक्ट यानी ये जो निर्णय है, क्वासिंग द रिजर्वेशन यानी विच इज या दैट इज क्वासिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100%, यानी जो 100% रिजर्वेशन को, आरक्षण को क्या कर रहा है, रद्द कर रहा है। प्रातः आपने क्वास मीन्स रद्द कर देना, किसी लीगल प्रोसीजर के द्वारा जब आप किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं तो आप क्वाश कर देते हैं। तो द वर्डिक्ट यानी जो वर्डिक्ट है, दैट इज क्वासिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100%, जो 100% आरक्षण को रद्द कर दे रहा है ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट। किस आरक्षण को, जो टीचिंग पोस्ट से संबंधित है इन शेड्यूल्ड एरियाज, किनमें, आरक्षित क्षेत्रों में ऑफ आंध्र प्रदेश, कहां के, आंध्र प्रदेश के, फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, किनके लिए, जो स्थानीय शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, यानी जो एसटी के लोग हैं। ये ऐसा जो क्वासिंग है यानी उसका जो वर्डिक्ट है, अब देखिए इस द वर्डिक्ट के लिए यहां पे आपके पास वर्ब आए इज के रूप में। फिर से देखते हैं, द वर्डिक्ट यानी जो निर्णय है, क्वासिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100% ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट, यानी जो सभी टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए जो 100% आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसे क्या कर दे रहा है, रद्द कर रहा है। ये टीचिंग पोस्ट कहाँ है, इन शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के आरक्षित क्षेत्रों में, फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और किनके लिए है, स्थानीय जनजातियों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय इज नॉट अगेंस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम्स एज सच, वह निर्णय इस प्रकार के स्वीकारात्मक योजनाओं के विरुद्ध नहीं है, बट बल्कि अ कॉशन, बल्कि एक चेतावनी है, कॉशन मीन्स चेतावनी, रोकथाम, बल्कि एक चेतावनी, एक रोकथाम है अगेंस्ट इंप्लीमेंटिंग, इंप्लीमेंट मीन्स लागू करना होता है, अगेंस्ट इंप्लीमेंटिंग देम यानी उनको लागू करने के खिलाफ एक चेतावनी है, इन अ मैनर, एक ऐसे तरीके से लागू करने के लिए, डिट्रीमेंटल टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, जो समाज के बाकी तबकों के लिए क्या है, डेट्रीमेंटल है, मीन्स क्या है, नुकसानदायक है, ठीक है। आशा है आप समझ रहे होंगे, नहीं भी समझ रहे हैं, कम समझ रहे हैं, कोशिश करें धीरे धीरे। एडिटोरियल एक ऐसी चीज है, रेगुलर पढ़ने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे नॉर्मली कोई पढ़ाता नहीं, ज्यादातर लोग इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो अगर इस तरह से रेगुलर आप पढ़ें तो आप जो पैसेज नहीं समझ पाते हैं, जो क्लोज टेस्ट में वर्ड्स की आपकी प्रॉब्लम आती, कहां पे कौन सा वर्ड होगा, कॉमन एरर में कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, किस तरीके से वर्ड्स का यूज होगा, वो सारी चीजें यहां से आप बेहतर कर सकते हैं। बच्चों विश्वास करिए, एडिटोरियल एक पेनेंशिया की तरह, रामबाण की तरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, देख लें। कह रहे हैं द वर्डिक्ट यानी जो निर्णय है, क्वाशिंग द, इसका आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, क्वाशिंग मीन्स विच इज या दैट इज क्वाशिंग, ऐसे बनाना सीख लें। मैं आगे शायद इसे और बेहतर समझा दूंगा आपको अलग से क्लास लेकर, लें अभी आप देख लें। द वर्डिक्ट वो निर्णय विच इज क्वाशिंग यानी दैट इज क्वाशिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100%, जो 100% रिजर्वेशन को रद्द कर रहा है ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट, सभी प्रकार की टीचिंग पोस्ट के लिए, इन शेड्यूल्ड एरियाज यानी जो सुरक्षित या तय क्षेत्र हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं, ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के, फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, किनके लिए, जो वहां पे एसटी के लोग हैं, जनजातियों के लोग हैं, वो वर्डिक्ट, अब यहां पे देखिए वर्ब है, द वर्डिक्ट सिंगुलर था, यहां इज आ गया, वो वर्डिक्ट इज नॉट अगेंस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम्स एज सच, इस प्रकार के स्वीकारात्मक योजनाओं के खिलाफ नहीं है, बट लेकिन अ कॉशन, एक रोकथाम, एक चेतावनी है, अगेंस्ट इंप्लीमेंटिंग देम इन अ मैनर, कि आप इस तरीके से जो उन्हें लागू कर रहे हैं उसके खिलाफ एक चेतावनी है,
कौन सा तरीका डेट्रीमेंटल टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, जो समाज के अन्य तबकों के लिए क्या है एक डेट्रीमेंटल, यानी यहां अगर बनाना चाहें तो विच इज डेट्रीमेंटल टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, जो समाज के अन्य हिस्सों के लिए हानिकारक है। ओके चले आगे बढ़ते हैं। अब फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, देखिए कितना बढ़िया यूज है बच्चों यहां। अब फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, अगर एग्जाम में ऐसा रहता ना अब फाइव जजेस दे दिया जाता तो ये कंपाउंड नाउन आपका है जिसमें फाइव आपके एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो जज जो है यहां पे ये फाइव जज बल्कि आप कह सकते हैं एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहां पे आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो जैसे आपको याद होगा पढ़े होंगे नॉर्म में अ फाइव मैन कमिटी, याद है तो फाइव मैन कमिटी होता है। तो अ फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी पांच जजे मतलब जजेस वाली जो संवैधानिक पीठ है, बेंच मीन्स पीठ, जो संवैधानिक पीठ है फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी पांच जजों वाली जो संवैधानिक पीठ है उसने पाया दैट की ईयर मार्किंग टीचर पोस्ट, कि टीचर पोस्ट को ईयर मार्क कर लेना यानी उन्हें प्रिजर्व करना सुरक्षित रखना इन एरियाज, ऐसे क्षेत्रों में नोटिफाइड अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, जिन्हें पांचवें शेड्यूल के लिए नोटिफाई किया गया सूचित किया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, यानी संविधान के पांचवें शेड्यूल में जो नोटिफाई किया गया है ऐसे क्षेत्रों में टीचर्स की पोस्ट को ईयर मार्क करना एडवर्सली अफेक्टेड, इस चीज ने बुरी तरह से प्रभावित किया द इंटरेस्ट ऑफ अदर कैंडिडेट्स, अन्य जो कैंडिडेट्स थे यानी जो प्रत्यर्थी थे उनके हितों को, नॉट ओनली फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, जो अभ्यर्थी शेड्यूल कास्ट के ही नहीं थे एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज और अन्य पिछड़े समुदायों से ही नहीं थे बट आल्सो, लेकिन कितना बढ़िया नॉट ओनली के साथ बट आल्सो है, बल्कि अदर एसटी कम्युनिटीज, अन्य एसटी कम्युनिटीज यानी जनजातियों के समुदायों से भी थे, नॉट नेटिव टू दोज एरियाज, जो उन एरियाज के रहने वाले यानी मूल निवासी वहां के नहीं थे। ठीक है फिर से देखते हैं, भले समय लगे आप अच्छे से पढ़ना एक बार सीख लें, देखें आगे बहुत आसान हो जाएगा। देखें अ फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन यानी पांच जजों वाली एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पाया दैट की ईयर मार्किंग टीचर पोस्ट इन एरियाज, कि ऐसे क्षेत्रों में टीचर पोस्ट को ईयर मार्क करना उन्हें सुरक्षित रखना, नोटिफाइड कौन से एरियाज, नोटिफाइड अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के पांचवें शेड्यूल में नोटिफाइड है सूचित है, ऐसे टीचर पोस्ट को ईयर मार्क करना एडवर्सली अफेक्टेड, उसने बुरी तरह से प्रभावित किया द इंटरेस्ट ऑफ अदर कैंडिडेट्स, अन्य अभ्यर्थियों के हितों को, नॉट ओनली फ्रॉम शेड्यूल का, जो अभ्यर्थी केवल उन जनजातियों से ही नहीं थे एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज और अन्य पिछड़े समुदायों से ही नहीं थे बट आल्सो, बल्कि अदर एसटी कम्युनिटीज अन्य जनजातियों के समुदायों से भी थे, नॉट नेटिव टू दोज, जो कम्युनिटीज उन एरियाज की नेटिव नहीं थे मीन्स मूल निवासी नहीं थे। ठीक है और आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में जब भी आप कोर्स लिखें हमेशा कॉमा दे देते हैं, ऑफ कोर्स वास्तव में व्हाट, जब व्हाट के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तुरंत समझे व्हाट मीन्स जो हो जाता है। ठीक है अगर इंट्रोगेटिव होता तो इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लेते वो, तो ऑफकोर्स वास्तव में व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड, ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं बच्चों, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद जरूर प्राइमरी वर्ब आती है ना, जो आपकी प्राइमरी वर्ब है मीन्स व्हाट प्रिंसिपल वर्ब है मेन वर्ब, वो जरूर आती, नहीं आई इसका मतलब यही यहां मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब है तो डिड की सेकेंड फॉर्म यहां पे है, सॉरी डू की सेकेंड फॉर्म यहां पे है करने के सेंस में। ऑफकोर्स वास्तव में व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड, जो राज्य सरकार ने किया इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर्स ऑफ 1986 यानी 1986 के अपने वास्तविक मूल आदेशों में एंड देयर आफ्टर, उसके बाद इन अ सबसिक्वेंट ऑर्डर इन 2000 और फिर आगामी 1986 के बाद फिर 2000 में जो उसने आदेश दिया वो आदेश यानी जो कुछ उसने किया वो चीज वॉज नॉट विदाउट इट्स ओन रैशनल, वो बिना तर्क के बिना कारण के उसने नहीं किया था, यानी 1986 में
और फिर उसके बाद आगामी 2000 में उसने राज्य सरकार ने जो कुछ किया था वाज नॉट, ये वाज किसके लिए पता है, व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड सब्जेक्ट के रूप में काम किया और ये यहां पे उसकी वर्ब है। तो व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड, जो कुछ भी सरकार ने किया अपने मूल आदेश 1986 के और उसके बाद अपने 2000 के आगामी आदेश में, वो जो सरकार ने किया वॉज नॉट विदाउट इट्स ओन रैशनल, उसने अपने कारणों के बिना नहीं किया, तो उसके करने के पीछे क्या थे, उसके कारण थे। ओके, इट, इट किसके लिए पता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यहां पे इसलिए सिमिलर यूज किया गया। इट फाउंड, इसने पाया दैट की देयर वॉज क्रोनिक एब्सेंटिज्म, क्रोनिक मीन्स पुराने समय से चला रहा भीड़, जिसको बहुत ज्यादा, जैसे कोई क्रोनिक डिजीज से पीड़ित है, यानी उसकी बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही। तो राज्य सरकार ने पाया दैट की देयर वॉज क्रोनिक एब्सेंटिज्म अमंग टीचर्स, जब भी प्लूरल यूज हो, दो या दो से अधिक लोग हैं, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, अमंग का प्रयोग करते हैं, आगे प्रीपोजिशन में कहीं आप जरूर पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे। तो सरकार ने पाया दैट की देयर वॉज क्रोनिक एब्सेंटिज्म अमंग टीचर्स, टीचर्स के बीच में पुराने समय से एक आदत बन चुकी थी, क्या, एब्सेंटिज्म, यानी कार्य में अनुपस्थित रहने, यानी वो उपस्थित नहीं होते थे। कौन से टीचर्स, हु, जब भी हु किसी नाउन के बगल में हो तो खुद जो का काम करता है, ठीक है, और अगर वाक्य के आरंभ में हो तो वो इंट्रोगेटिव के सेंस में अगर है तो कौन का काम करता, तो यहां नाउन के बगल में इसलिए जो हो जाए। नहीं, ऐसे टीचर्स जो डिड नॉट बिलोंग टू दोज रिमोट एरियाज, रिमोट याद है, दूर दराज, दूरवर्ती, वो टीचर्स जो डिड नॉट बिलोंग, यानी संबंधित नहीं थे, टू, बिलोंग टू हमेशा यूज होता है, इससे आई बिलोंग टू आजमगढ़ होता है ना, हु डिड नॉट बिलोंग टू दोज रिमोट एरियाज, जो दूर दराज के क्षेत्रों से संबंधित नहीं थे, वेयर, जहां द स्कूल्स वर लोकेटेड, देखिए पैसिव वॉज है, वाज वर आया, इसलिए हर हाल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जहां पर वो स्कूल्स क्या थे, स्थित थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए देखते हाउ एवर, जो भी हो, इट्स सॉल्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट क्या होते हैं, किसी चीज का मसौदा तैयार करना, ठीक है, एक प्रारूप बनाना। तो हाउ, जो भी हो, जब भी जो भी हो के सेंस में हाउ एवर का प्रयोग करें, तो ये कंजंक्शन की तरह होता है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में होता है, और यहां पे इसका अर्थ होता है जो भी हो, अर्थात जिस तरह से, और जब ये कॉमा के साथ ना होकर पूरी क्लास से जुड़ जाता है तो फिर वहां वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जिसका अर्थ चाहे जितना हो जाता है। तो हाउ एवर, जो भी हो, इट्स सॉल्यूशन, इसका जो हल है, ऑफ ड्राफ्टिंग ओनली मेंबर्स ऑफ द लोकल ट्राइब, यानी केवल स्थानीय जो जनजातियां थी उनके सदस्यों का मसौदा तैयार करना का, उसका जो समाधान था, वॉज नॉट अ वाइबल सॉल्यूशन, वह क्या नहीं था, एक वाइबल सॉल्यूशन है, यानी फीजिबल सॉल्यूशन नहीं था, यानी उचित निर्णय नहीं था, वाइबल मीन्स उचित। एज द बेंच नोटेड, जैसा कि उस बेंच ने नोट किया, उस बेंच ने देखा, इट कुड हैव कम अप विद, देखिए कुड हैव यानी कुड का भी पास्ट, और यहां पे चूंकि इसके बाद वर्ब आ गई, इसका मतलब कुड हैव यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये एक फ्रेज है बच्चों, कम अप विद, कम अप विद मीन्स होता है किसी समाधान के साथ आना। तो कह रहे हैं कि एज द बेंच नोटेड, जैसा बेंच ने देखा, बेंच समझ रहे ना, पीठ, बेंच ने देखा, इट कुड हैव कम अप, इट किसके लिए, सरकार के लिए, इट कुड हैव कम अप विद अदर इंसेंटिव, सरकार को कुछ अन्य समाधानों के साथ, अन्य प्रोत्साहनों के साथ, इंसेंटिव्स के साथ आना चाहिए था, टू इंश्योर, जब ई एन एस यू आर हो, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना होता है, आई एन हो, इंश्योर मीन्स बीमा कराना होता है, ठीक है। यानी बेंच ने यह नोट किया कि सरकार को, इट कुड हैव कम अप विद अदर इंसेंटिव, सरकार को अन्य प्रोत्साहनों के साथ आना चाहिए था, टू इंश्योर द अटेंडेंस ऑफ टीचर्स, ताकि टीचर्स की अटेंडेंस को क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। जब भी टू प्लस वर्ब होता है उसके हिंदी नानी ने आता है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई, तो टू बाई खरीदने के लिए कुछ है, ठीक है। देखें एनदर एस्पेक्ट, एनदर एस्पेक्ट जो अन्य पहलू है, एनदर एस्पेक्ट जो दूसरा पहलू है, दैट की
द कोर्ट टुक इन टू अकाउंट, जो यहां पता है दैट क्या है, ये दैट यहां कंजंक्शन है बच्चों, ये दैट यहां क्या है, प्रोनाउन की तरह है, यानी अनदर एस्पेक्ट, वो दूसरा पहलू, दैट द कोर्ट टुक, जिसे द कोर्ट टुक इन टू अकाउंट, जिसे कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया, वाज दैट, ये दैट देखे कंजंक्शन है, वो ये था कि आंध्र प्रदेश हैज अ लोकल एरिया सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती का एक स्थानीय क्षेत्रीय प्रणाली है आंध्र प्रदेश की, टू पब्लिक सर्विसेज, किस चीज की भर्ती के लिए, लोक सेवाओं के लिए, यानी पब्लिक सर्विसेज की भर्ती का एक स्थानीय प्रणाली सिस्टम है आंध्र प्रदेश का, इस चीज को कोर्ट ने किसमें लिया, अपने टुक इन टू अकाउंट, अपने संज्ञान में लिया, अपने विचार में लिया। द प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट यहां चूंकि राष्ट्रपति के लिए है इसलिए पी लगा यहां पे कैपिटल, और ये एक पद है इसलिए इसके पहले क्या लगाया गया, द लगा। यू कैन नॉट राइट मैनेजर कॉल्ड मी, क्या लिखेंगे हम, द मैनेजर कॉल्ड मी। यू कैन नॉट राइट टीचर केम, क्या लिखेंगे, द टीचर केम, क्योंकि पद है। तो द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 371D, 371D के अंतर्गत जो राष्ट्रपति थे, अब देखिए द प्रेसिडेंट की वर्क कहां है पता है, यहां है आपकी, ठीक है, ये क्या है आपका, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपकी, जो एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है, और अगर ये वर्ब की बात रहती नॉर्मली एडवर्ब की तरह काम करते, हम कहें द बॉय इन द रूम इज वेरी सैड, ये इन द रूम यहां पे एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में जो बॉय के बारे में बता रही है, जब एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में है तो आप इसे पूरा कर सकते हैं द बॉय हु इज इन द रूम इज वेरी सैड, और अगर यही इन द रूम वर्ब के बाद है तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो जाती है, कैसे देखें, द बॉय इज इन द रूम, द बॉय इज इन द रूम, अब इन द रूम क्या हो जाएगा, एडवर्ब की तरह काम करी, यानी जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है और एडवर्ब की तरह भी, अगर वो नाउन के बगल में है तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, वर्ब के बाद है तो एडवर्ब की तरह काम करेगी, ठीक है, यहां देखिए किसके बगल में है, नाउन के बगल में, इसलिए एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 370D, वैसे यहां ये अलग ही है क्योंकि इनके बारे में नहीं बता रहे, संविधान के अनुच्छेद के बारे में बता रहा है। द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 371D हैज किसके लिए, प्रेसिडेंट, यानी 371D अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति ने हैज इशूड ऑर्डर्स, उन्होंने आदेश जारी किए हैं दैट कि अ रेजिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और जोन, कि एक जिले या एक क्षेत्र का जो निवासी है कैन नॉट अप्लाई, हमेशा किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ग के फर्स्ट फॉर्म, कैन नॉट अप्लाई टू अनदर डिस्ट्रिक्ट और जोन, वह किसी दूसरे जिले या क्षेत्र में अप्लाई नहीं कर सकता, यानी आवेदन नहीं कर सकता है फॉर अपॉइंटमेंट, किसके लिए, किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए। दस इस तरह द 100% कोटा, ये जो 100% कोटा डिप्राइव्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में, ठीक है, यानी इस 100% कोटा ने डिप्राइव्ड रेजिडेंट्स ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज, यानी उन जो शेड्यूल्ड एरियाज थे यानी आरक्षित जो क्षेत्र थे उनके निवासियों, किसने वंचित कर दिया, किस चीज से, और ये कितना बढ़िया यूज है, deprived के साथ क्या लगा है, ऑफ, तो 100% कोटे ने शेड्यूल एरियाज के रेजिडेंट्स को वंचित कर दिया ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, किसी भी ऐसे अवसर से टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स, टीचिंग पोस्ट, कि वो टीचिंग पोस्ट के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। आशा है आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, आगे इसे हम और बेहतर करेंगे, और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे, और आप और बेहतर समझ सकेंगे, बस छोटी छोटी चीजें केयर करते चले। देखिए करें अफर्मेटिव एक्शन, जो स्वीकारात्मक आपका एक्शन है यानी कार्य है, लूजेस इट्स मीनिंग, लूजेस, लूज मीन्स खो देना, ध्यान रखें LOOSE होता है, लूज मीन्स ढीला होता है, और LOSE लूज मीन्स खो देना। तो अफर्मेटिव एक्शन सिंगुलर है इसलिए लूजेस, लूज में एस जुड़ गया यहां पे, जो सकारात्मक या स्वीकारात्मक एक्शन है लूजेस इट्स मीनिंग, कि अपना अर्थ अपना महत्व खो देता है, कब, इफ, यदि, इट डज नॉट लीव द डोर स्लाइटली अचार, यदि यह दरवाजे को थोड़ा सा खुला हुआ
नहीं छोड़ता है, वैसे अजार मीन्स ही स्लाइटली ओपन होता है, लेकिन यहां स्लाइटली यूज किया गया। करें इफ इट डज नॉट लीव द डोर स्लाइटली अजार, यदि ये दरवाजे को हल्का सा खुला नहीं रखता है, फॉर ओपन कंपटीशन, किस चीज के लिए, खुली प्रतिस्पर्धा के, यानी कोई भी अफर्मेटिव एक्शन अपना जो मीनिंग है अपना महत्व खो देगा, कब, यदि यह ओपन कंपटीशन के लिए अपने दरवाजों को थोड़ा सा खुला नहीं रखता। यानी कोड क्या चाहता है, कोड चाहता है कि ओपन कंपटीशन का रास्ता हमेशा थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, इसलिए 100% आरक्षण नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका आपने 14 अप्रैल को आपने 129वीं शायद जहां तक मुझे याद है आपने जन्मशती मनाए, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे ऑब्जर्वर, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा ड्यूरिंग द डिबेट, बहस के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, यानी ड्यूरिंग द डिबेट यानी बहस के दौरान, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स निर्वाचक, असेंबली मीन मंडली, यहां पर यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निर्वाचक मंडली में जब बहस हो रही थी उसके दौरान डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने देखा पाया ऑन द इक्वालिटी, जो बहस किस पर हो रही थी, इक्वालिटी क्लॉज यानी समानता के अनुच्छेद पर, एक साथ लें, समानता के अनुच्छेद पर जब निर्वाचक मंडली में बहस हो रही थी उसके दौरान डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ऑब्जर्व किया क्या, दैट की, यहां पे ना की, एनी रिजर्वेशन, कोई भी आरक्षण नॉर्मली ऑट टू बी, याद करें ऑट टू बी, ऑट टू यहां मॉडल के रूप में है और मॉडल के साथ देखिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी आ गई यहां पे। तो उन्होंने उस इक्वालिटी क्लास पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस के दौरान यह ऑब्जर्व किया कि कोई भी आरक्षण नॉर्मली ऑट टू बी फॉर अ माइनॉरिटी ऑफ शेयर्स, वो किसके लिए होना चाहिए, माइनॉरिटी ऑफ शेयर्स यानी जो सीटें हैं उनकी जो माइनॉरिटी है उसके लिए होना चाहिए आरक्षण, न कि सभी सीटों के लिए होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इक्वालिटी क्लास पे बहस हो रही थी इस दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया था, पाया था, समझा था। दिस इज वन ऑफ द, देखिए मैंने कई बार बच्चों से कहा वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लेते हैं बच्चों, ठीक है, और अगर वन के लिए वर्ब चाहिए वो हमेशा सिंगुलर आती है। दिस इज, देखिए है भी यहां पे, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स यानी यह उन पॉइंट्स में से, उन तथ्यों में से एक है, ऑफन अर्ज्ड, जिन तथ्यों पर अक्सर जोर दिया जाता है, इन फेवर ऑफ द 50% कैप, यहां कैप मीन्स टोपी नहीं, कैप मीन्स अधिकतम सीमा, ये हमारे ऊपर है ना, अधिकतम सीमा। करें दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स यानी यह उन तथ्यों में से एक है, ऑफन अर्ज्ड इन फेवर ऑफ द 50% कैप, जो 50% की अधिकतम सीमा के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, जोर दिया जाता है, इंपोज्ड बाय द कोड, जो 50% कैप किसके द्वारा लगाया गया है, कोड के द्वारा, ऑन टोटल रिजर्वेशन, किसके रूप में, टोटल रिजर्वेशन यानी पूरा जो आरक्षण है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 50% होना चाहिए आवश्यक अधिकतम सीमा के रूप में जो कोर्ट ने लागू किया है, अल्बेट, याद है अल्बेट, यद्यपि विद सम अलाउंस, यद्यपि थोड़ी बहुत अनुमति दी जा सकती है फॉर रिलैक्सेशन, कि आप इससे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, किन में, विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, समझ लेंगे इजी यहां पे। इट इज स्टिल, स्टिल मीन्स यहां पे अभी भी, इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट, यह अभी भी एक डिबेट का मैटर है यानी एक बहस का विषय है, वेदर, जब भी वेदर बीच में है उसका अर्थ की क्या हो जाता है या चाहे वाला सेंस आता है। इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट, ये अभी भी बहस का एक विषय है, वेदर की क्या द सीलिंग हैज इननेट सैंक्टिटी, कि द सीलिंग जो अधिकतम सीमा है हैज इननेट सैंक्टिटी, क्या उसमें मौलिक पवित्रता है, प्रारूप है, बट लेकिन इट इज क्लियर, लेकिन यह स्पष्ट है, दैट की व्हाट वेयर एवर इट इज इंपरेटिव, कि जहां कहीं भी इट इज इंपरेटिव, यह आवश्यक है, दैट द कैप बी ब्रीच्ड, कि अधिकतम सीमा को आप क्या कर सकें, ब्रीच कर सकें, उसका उल्लंघन कर सकें, स्पेशल केस मस्ट बी मेड फॉर इट, तो अगर आप उस स्पेशल यानी अधिकतम सीमा को ब्रीच करना चाहते हैं
अधिकतम सीमा से ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं तो कोर्ट कहती है कि अ स्पेशल केस मस्ट बी मेड फॉर इट, तो इसके लिए आपके पास एक विशेष परिस्थिति का निर्माण करना होगा, यानी दिखाना होगा कि हाँ इस तरीके की विशेष परिस्थिति थी इसलिए आपने उस कैप उस अधिकतम सीमा का क्या किया, आपने उल्लंघन किया। ओके, देखें सच अ डिबेट, इस तरह की जो बहस है शुड नॉट डाइवर्ट अटेंशन, वो ध्यान नहीं भटकानी चाहिए फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से दैट की देयर इज अ कंटिन्यूइंग नीड। देखिए देयर का प्रयोग बच्चों ऐसा होता है ना, इसके साथ जो नाउन या प्रोनाउन जुड़ा होता है उसी के अनुसार उसकी वर्ब आती है। देखिए यहां पे कंटिन्यूइंग नीड क्या है, सिंगुलर है ना ये, इसलिए यहां पे क्या लिया गया इज। अगर यहां कंटिन्यूइंग नीड्स होता तो क्या हो जाता, आर हो जाता। ठीक है, जैसे देयर इज अ बॉय, लेकिन देयर आर बॉयज। इट एक ऐसा शब्द होता है जो अपने साथ हमेशा सिंगुलर रहता है, भले इसके साथ जुड़ा हुआ नाउन या प्रोनाउन क्या हो, हमेशा सिंगुलर या प्लूरल हो। देखें फिर से यहां देखें, सच अ डिबेट, इस तरीके की बहस शुड नॉट डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से ध्यान नहीं भटकानी चाहिए दैट की देयर इज अ कंटिन्यूइंग नीड, एक निरंतर आवश्यकता, यहां नीड नाउन के रूप में है कि एक निरंतर आवश्यकता, और ये कंटिन्यूइंग क्या है आपको पता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। देयर इज अ कंटिन्यूइंग नीड फॉर अ सिग्निफिकेंट कोटा फॉर स्टील, यानी इस तथ्य से ध्यान नहीं भटकना, यानी इस ये जो बहस चल रही है ऊपर ना, इसका ये उद्देश्य कतई नहीं है कि ये ध्यान भटकाना चाहते किस चीज से, कि एसटीज यानी शेड्यूल ट्राइब्स का जो कोटा है उनके लिए सिग्निफिकेंट कोटा होना चाहिए, यानी शेड्यूल ट्राइब्स का जो वो है कोटा वो निश्चित ही विशेष कोटा उनके लिए होना चाहिए, इसकी एक क्या है निरंतर आवश्यकता है, और ये बहस कहीं से भी इस चीज से अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहते, इसे गलत नहीं मानती है। स्पेशली विशेष रूप से, ईएस कब लगाते हैं, स्पेशली जब आप अन्य चीजों में क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, जैसे हम कहें राम रहीम एंड श्याम ऑल आर गुड बॉयज स्पेशली रहीम, तो हमने स्पेशली ईएस लिया, क्यों, क्योंकि हम तीनों में से एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखें फिर से देख लें बच्चों, करें सच अ डिबेट, यानी ये जो बहस है इस तरीके की शुड नॉट डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से इसे ध्यान नहीं भटकाना चाहिए दैट की देयर इज अ कंटिन्यूइंग नीड फॉर अ सिग्निफिकेंट कोटा फॉर एसटी, यानी शेड्यूल ट्राइब्स का जो सिग्निफिकेंट कोटा है उसकी एक निरंतर क्या है, आवश्यकता है। ये कोटा देखे सिंगुलर में यूज किया गया इसलिए इसके पहले क्या लगाया गया, ए लगा लिया गया। स्पेशली दोज, विशेष रूप से उन लोगों के लिए लिविंग इन एरियाज, अर्थात हु आर लिविंग इन एरियाज, जो ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हो अंडर द फिफ्थ शेड्यूल स्पेशल डिस्पेंशन, जो पांचवें शेड्यूल यानी जो संविधान का शेड्यूल है पांचवें शेड्यूल में विशेष छूट यानी रियायत के अंतर्गत रह रहे हो, उन लोगों के लिए निश्चित ही एक सिग्निफिकेंट कोटा होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और लाइनें और हैं आपके लिए, देखिए ये बस लाइनें हैं, इन दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप याद हो गया आपको, पृष्ठभूमि, इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि में इट इज समवॉट डिसअपॉइंटिंग, समवॉट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक, यानी ये थोड़ा सा निराशाजनक है दैट की कोर्स टेंड टू रिकॉर्ड, मैंने ऊपर कहा था टेंड मीन्स प्रवृत्ति होना, कि कोर्स टेंड टू रिकॉर्ड ऑर्बिटर डिक्टा, जो कोर्स है यानी थोड़ा सा निराशाजनक है दैट कोर्स टेंड टू रिकॉर्ड ऑर्बिटर डिक्टा, कि जो कोर्स है अदालतें जो हैं वो इस तरह के प्रासंगिक उक्तियों को रिकॉर्ड करते हैं एडवोकेटिंग, जो उक्तियां एडवोकेटिंग और रिवीजन ऑफ द लिस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज, जो शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स की जो लिस्ट है उनके रिवीजन को क्या करती हैं, एडवोकेट करती हैं, अर्थात उनका समर्थन करती हैं, ऐसे समर्थन का के लिए जो कोर्ट ऑर्बिटर डिक्टा दे प्रासंगिक उक्ति देती है उसके रिकॉर्ड को कोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंड करती है। ठीक,
थोड़ा सा उलझे होंगे, फिर से देख लें आप, यहां से देख लें। इट इज समवट डिसअपॉइंटिंग, यानी थोड़ा सा निराशाजनक है, दैट की कोर्स टेंड टू रिकॉर्ड आर्बिटर डिक्टा, कि कोर्स इस तरीके की प्रासंगिक उक्तियों को रिकॉर्ड करते हैं, एडवोकेटिंग अ रिवीजन ऑफ द लिस्ट ऑफ एससीज एंड एसटी, जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को क्या करते हैं, रिवीजन को एडवोकेट करते हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब्स के और शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उनके रिवीजन को एडवोकेट करने वालों के प्रति कोर्ट कहीं कहीं शायद ऑर्बिटर डिक्टा करती, प्रासंगिक उक्ति देती है, ठीक है। वाइल द पावर टू अमेंड द लिस्ट नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट इन डिस्प्यूट, वाइल एक तरफ ये सच है, द पावर टू अमेंड द लिस्ट, यानी इन लिस्ट में सुधार करने का, परिवर्तन करने की जो शक्ति है, नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, जिन लिस्ट को प्रेसिडेंट ने क्या किया है, नोटिफाइड किया है, सूचित किया है, इज वो पावर जो है इज नॉट इन डिस्प्यूट, उस शक्ति पर, उस क्षमता पर किसी को संदेह नहीं, उस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन इट इज समवट अनचैरिटेबल टू से, ये कहना कहीं कहीं से थोड़ा सा अनचैरिटेबल होगा, मीन्स गलत होगा, दैट की द एडवांस्ड एंड अफ्लुएंट सेक्शंस, कि जो एडवांस्ड यानी जो आगे के लोग हैं, एंड अफ्लुएंट और समृद्ध लोग हैं, धनी लोग हैं, सेक्शंस वर्ग, यानी जो अग्रिम और अग्रणी और समृद्ध वर्ग हैं विद इन एससीज एंड एसटीज, किनके बीच में, उन शेड्यूल कास्ट के बीच में और शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में, आर, ये आर किसके लिए पता है, इन सेक्शंस के लिए, कौन सेक्शंस, द एडवांस्ड एंड अफ्लुएंट सेक्शंस के लिए यहां पर आर आया। तो ये जो एडवांस्ड और अफ्लुएंट सेक्शंस हैं एससीज और एसटी में, आर, वो सेक्शंस आर कॉर्नरिंग ऑल बेनिफिट्स, वही सेक्शंस सारे लाभ ले रहे हैं, एंड डू नॉट परमिट एनी ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन मैंने कहा था गरीबों को लाभ देना, और वो इस चीज की अनुमति नहीं दे रहे हैं एनी ट्रिकल डाउन, कि गरीबों को भी उस आरक्षण का क्या मिले, लाभ मिले, ठीक है। इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इज स्टिल सम डिस्टेंस, कहीं कहीं अभी भी दूरी पर है फ्रॉम रीचिंग दैट पॉइंट, उस सीमा तक पहुंचने पे, कौन सी सीमा, कि जो एससी और एसटीज में धनी लोग हैं, अफ्लुएंट लोग हैं, उनके अलावा, यानी वो लोग उतना लाभ न लें जितना लाभ उनके किनको मिले, उन्हें ट्रिकल डाउन करना चाहिए, यानी उन्हें गरीबों को लाभ देना चाहिए, न कि जो ऑलरेडी सशक्त हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, धनी हो चुके हैं, उन्हें अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और जो एससी में और एसटी में गरीब लोग हैं उन्हें, उन लाभों को उन्हें प्रदान करना चाहिए। तो बच्चों कैसा लगा, ये पहला प्रयास था मेरा एडिटोरियल का इस समय का, और आपने पढ़ा होगा, थोड़ी सी चीजें समझी होंगी आपने, धीरे धीरे पढ़ना सीखें आप, और मैं आगे आपको पढ़ने का तरीका भी समझाने वाला हूं, जैसे मैं आपको कुछ एक सेंटेंसेस दे रहा हूं, देखें मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट बस, मैं आपको इसे करके दिखा रहा हूं, एक मिनट बस, एक मिनट, कौन सा वाक्य ले लूं मैं, यहां पे एक वाक्य था अभी मैंने आपको दिखाया था, हां ये वाक्य, ये पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी किया हमने और हम नीचे आ गए, ये देखिए अब आपके सामने है ये लाइंस, और मैं चाहूंगा आज आप इन्हें पढ़ना सीखें बच्चों, इससे आगे आपको बहुत काम आएगा, देखिए कैसे पढ़ें इसे, ऐसे वाक्य हमेशा आपको मिलते रहेंगे, द वर्डिक्ट यानी वो निर्णय, अब अगर यहां पे टेंस के रूप में मेन वर्ब के रूप में होता ना, जिसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह दी गई होती, नहीं दी गई, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, जब भी किसी नाउन के बगल में या किसी के बगल में आईएनजी फॉर्म सीधे आ जाए तो आप उसके या तो ता हुआ, ते हुए, ती हुए ले निकाल लें, या स्थिति अनुसार विच, दैट और हु के साथ प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब ले लें आप, कैसे देखें, ये वर्डिक्ट के लिए विच या दैट लेंगे आप, तो हम ऐसे पढ़ें, द वर्डिक्ट दैट इज, चूंकि प्रेजेंट में है ना तो इज मैंने ले लिया, द वर्डिक्ट यानी वो निर्णय, दैट इज क्वाशिंग, जो निर्णय
रद्द कर रहा है द रिजर्वेशन ऑफ 100% ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट इन शेड्यूल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश के शेड्यूल एरियाज में टीचिंग पोस्ट के लिए सभी टीचिंग पोस्ट के लिए जो 100% आरक्षण है उसे जो रद्द कर रहा है फॉर लोकल शेड्यूल ट्राइब्स किनके लिए जो स्थानीय शेड्यूल ट्राइब्स हैं जनजातियां हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश में जो निर्णय रद्द कर रहा है वो निर्णय अब देखिए बच्चों यहां से वाक्य ऐसे जाएगा यहां पर ऐसे छूट जाएगा वो निर्णय इज नॉट अगेंस्ट अफर्मेटिव प्रोन तब आपको इससे फायदा क्या होगा ये फायदा हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए ठीक है और कोई जैसे मैं आपको वाक्य लेके दिखा रहा हूं देखें ऐसे जैसे इसे समझिएगा बच्चों आपके काम आएगा जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कोई वाक्य द बॉय कॉलिंग मी लाउडली इज वेरी सैड ठीक है ये वाक्य है आपका एक नंबर से ग्रामेटिकली मैं करेक्ट कर लू ये हो गया द बॉय कॉलिंग मी लाउडली इज वेरी सैड ये जो द बॉय है ना अगर ये कॉलिंग यहां मेन वर्ब होती ना तो इसके पहले आप क्या लेते इस एम आर वाज को लेते नहीं लिया आपने इसका मतलब ये यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह तो ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल को आप उचित प्रोनाउन से जोड़ दें आप तो यहां द बॉय के लिए क्या प्रोनाउन ले सकते हैं देखिए समझने के लिए द बॉय हु इज हो जाएगा ना ये ऐसे समझ सकते अब देखिए समझना आसान हो गया क्योंकि नाउन के बगल में हु आ गया तो जब भी नाउन के बगल में हु आए तो उसका अर्थ जो होता है यानी वो लड़का जो इज कॉलिंग मी लाउडली जो मुझे तेजी तेजी से बुला रहा है वो लड़का अब देखिए आपके पास क्या हो गया वो लड़का इज वेरी सैड वो लड़का बहुत उदास है ऐसे समझना सीखेंगे तो आगे चीजें आपके लिए कहीं कहीं आसान हो जाएंगी एक और लास्ट स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं फिर मैं खत्म करूंगा इसे ठीक है कहीं इसमें एक स्ट्रक्चर था आपका ये सारे वर्ड्स बच्चों तैयार कर लीजिएगा जरूर एग्जाम्स में आपके काम आएंगे मैं कोई स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं जहां पे शायद पास्ट पार्टिसिपल को एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है चलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आपके काम आएगा ऑफ एन अर्स्ट देखें ये चीज ये वाक्य मैं ले रहा हूं यहां देखिए बच्चों ये आप लास्ट समझ लें फिर इसे हम खत्म करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूं देखिए ये वाक्य आपका है दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स सही है ऑफन अर्ज्ड इन फेवर ऑफ द इतना इम्पोज्ड बाय इतना यहां ये जो दो वर्ड्स है अर्ज्ड और इम्पोज्ड ये यहां मेन वर्ड्स नहीं बच्चों एक्चुअली ये जो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स है ना उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया लेकिन एडजेक्टिव रूप में आप इसे कैसे बनाए देखें ऐसे आप इसे ऐसे बना लें अब देखिए आपके लिए आसान हो जाएगा दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स विच इज अब देखिए आसान हो गया क्या हो गया दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स यानी यह उन तथ्यों में से एक है विच इज ऑफन अर्ज्ड जिस पर अक्सर जोर दिया गया है इन फेवर ऑफ द 50% कैप अधिकतम सीमा 50% के फेवर में ठीक है इम्पोज्ड बाय अब यहां भी देखिए वही ये मेन वर्ब नहीं है यहां भी वैसे बना लें इज ले लेते हैं वाज भी ले सकते हैं यहां विच इज जो इम्पोज किया गया यानी जो लगाया गया है बाई द कोर्ट थोपा गया है कोर्ट के द्वारा ऑन टोटल रिजर्वेशन ऐसे समझना आपको आसान होगा अगले एडिटोरियल में मैं इसे और समझाऊंगा ताकि धीरे धीरे आपको पढ़ना आ जाए कि कहां पे वो पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है और कहां पर वो आपके मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है ठीक है चलिए ये मेरा लास्ट वो है कमिटमेंट कि आप कहीं कहीं जो वर्ड पावर मैंने दी है उसे तैयार कर लीजिए सारे वर्ड्स स्क्रीनशॉट्स लेकर तैयार करें ताकि अगली बार अगर ये वर्ड्स आए तो निश्चित ही आपको वर्ड्स क्या रहे वो तैयार रहे ठीक है चलिए बच्चों खत्म करते हैं और देखते हैं कैसे आगे आप इन्हें बेहतर करते हैं जो भी बच्चे अच्छा लगा हो जिन्हें वो जरूर कमेंट करें शेयर करें लाइक करें
ताकि आगे मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।